Let's start genetics. Father of genetics is known as Mr. Gregor John Mendel. Why he is known as father of genetics? Because जो इनके सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे इन्होंने पी प्लांट पे करे थे. एज वी नो कि पी प्लांट पाइसम सटाइवम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे. और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो हाइब्रिडाइजेशन पे फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट थे एज सच इनसे पहले भी करे थे. क्यूनॉट ने इनसे पहले भी एक्सपेरिमेंट किए थे. लेकिन इनके जो इनका जो वर्क था वो काफ़ी हद तक मैथमेटिकली प्रूवन था. मैथमेटिकली और स्टैट्स भी और साथ में बायोलॉजिकली भी. उसमें उन्होंने जो जेनेटिक्स के उन्हीं के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने अपने मेंडल्स लॉ भी दिए. तीन लॉज दिए जो वर्ल्ड फेमस हैं. इनका कार्यकाल बहुत ही शॉर्ट रहा. 1822 से 1884 में इनकी डेथ हो गई थी. इन 1884 ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. इसमें इन्होंने अपना जो है वर्क हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो आप इस जर्नल में पब्लिश किए थे. देन इनका जो वर्क था उसको रिकॉग्निशन इमिडिएटली नहीं मिल पाई थी. मीन्स 1856 में व्हेन ही पब्लिश्ड हिज वर्क दैट टाइम नोबडी नोज कि मेंडल ने कुछ किया है या मेंडल का कुछ काम इतना इम्पॉर्टेंट काम है. इन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज आफ्टर हिज डेथ इन 1884 1900 में जो है तीन साइंटिस्ट मिस्टर ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के थे और कार्ल कोरेंस जर्मनी के और शेरमार्क ये ऑस्ट्रिया के थे. इन तीन साइंटिस्ट ने इनके वर्क को दोबारा से रिकॉग्निशन दिलाया. इट मींस इन्होंने 1900 में इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट भी किए. साथ में उन्होंने जो मेंडल के लॉस थे उनको जो जो पब्लिश हुए थे उनको रीड भी किया और दोबारा से वर्ल्ड के सामने दोबारा से प्रेजेंट किया, जिससे 1900 में इनको जो है वो प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल पाई. तो व्हाई नाउ ये तो इनका हिस्ट्री है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पी प्लांट. व्हाई ही चूज पी प्लांट? बिकॉज पी प्लांट उनका जो मेन प्लांट था वो दैट वाज पाइसम सटाइवम गार्डन पी. तो उन्होंने क्यों पाइसम सटाइवम को चूज किया था? तो देयर आर सम रीजंस. क्योंकि पाइसम सटाइवम में एक तो इनको जो कैरेक्टर्स मिले थे वो वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर्स मिले थे. वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर्स कहने का मतलब है कि क्लियरली विजिबल कंट्रास्ट कैरेक्टर. सपोज वी आर टेकिंग हाइट, तो हाइट में इनको जो है क्लियरली विजिबल टॉल लेंथ एंड ड्वार्फ लेंथ मिल गई थी. मींस देयर इज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर, नो इंटरमीडिएट हाइट. तो क्लियरली विजिबल कंट्रास्ट कैरेक्टर इनको ऑब्जर्व हुए. सेकेंड थिंग, बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें प्रॉपर बाइसेक्सुअल फ्लावर था. देन predominant self fertilization. This is the very important reason behind his selection of pea plant. It's a predominant self fertilization plant. इसमें purely self fertilization होता है. आपने pea plant का flower अगर देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जो petals होते हैं वो किस तरीके से arrange होते हैं. उनका vexillary estivation होता है और वेक्सिलरी एस्टिवेशन में वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि जो सबसे एक जो बड़ा वाला जो विंग्स है वो सबसे ऊपर इस तरीके से अरेंज रहता है. सॉरी, बड़ा वाला जो वेक्सिलम है, दिस इज वेक्सिलम. देन साइड से जो होते हैं वो नोन एज कील, सॉरी विंग्स. एंड देन लोअर वन उनको हम कहते हैं कील. इस तरीके का एस्टिवेशन होता है और ये नीचे वाले जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं. ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये नीचे के लोअर टू, ये जो कील है, एक ये है और एक ये है. दीज आर द कील और ये क्या है आपके, दीज आर विंग्स. ये साइड के जो है दीज आर विंग्स और ये सबसे अपर वन जो है ये वेक्सिलम है. दिस इज वेक्सिलम. तो ये जो दो लोअर टू है आपके कील, दीज आर कनेक्टेड टूगेदर, जुड़े हुए हैं. देन साइड से जो है ये विंग्स होते हैं एंड देन अपर वन जो वेक्सिलम है इट कवर्स ऑल. तो ये सभी को कवर कर रहा है. तो यानी कि इसमें जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना ही पॉसिबल हो पाता है. आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें या क्रॉस पॉलिनेशन होना इसमें पॉसिबल नहीं होता है. देन फोर्थ वन इज शॉर्ट लाइफ स्पैन. बिकॉज ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन ये वी कैन गेट द नेक्स्ट क्रॉप ऑफ पाइसम सटाइवम विद इन 2 to 3 months और 3 to 4 months. ठीक है, तो दीज वर द रीजन्स बिहाइंड
behind his selection of pea plant. Now, what were the characters which were present in pea plant? जिनकी वजह से उन्होंने इसको चूज किया था वो क्या कंट्रास्ट कैरेक्टर कौन कौन से थे? तो दोज वर स्टेम लेंथ, जिसमें आपको क्लियरली विजिबल टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल डोमिनेंट, ड्वार्फ रिसेसिव, फ्लावर पोजीशन एक्साइल टर्मिनल, फ्लावर कलर वॉयलेट व्हाइट, सीड कोट कलर ग्रे व्हाइट, पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड जो है डोमिनेंट है और कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है, पॉड कलर ग्रीन येलो, कॉटिलेडन कलर येलो ग्रीन एंड सीड फॉर्म राउंड रिंकल्ड. दीज वर द कैरेक्टर्स विच वर प्रेजेंट इन पाइसम सटाइवम एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज क्लियरली विजिबल कंट्रास्ट कैरेक्टर ही चूज पी प्लांट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी सम जो आपकी टर्मिनोलॉजी है.